हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले पार्ट जो है 16 आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यार आप वीडियो देख लो, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टारगेट हमारा है 45 प्लस का आउट ऑफ 50 जो है हमें साइंस में लाना है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करा हूँ, डिटेल में चैप्टर समझा रहा हूँ। आप भी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कोल्ड। जिनके पास एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स अगर सेम नंबर हैं या इलेक्ट्रॉन सेम नंबर है, तो उनका सेम नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। समझ में आया ना, चाहे नंबर ऑफ प्रोटोन सेम हो चाहे इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो हमें क्या बताते हैं, उसका एटोमिक नंबर कितना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होने ही वाले हैं उसकी, जब आप मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो डिफरेंट नंबर होंगे उसके। एवोगैड्रो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था एक मोल में 6.022 × 10^23 एटम्स होते हैं, इसी को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, फॉर्मूला यूनिट मास बताना है CaCl2 का, तो Ca कैल्शियम होता है और Cl2 क्लोरीन, ठीक है। मतलब दो तो कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। दो क्लोरीन के एटम्स हैं, दो से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना जाएगा, 35 × 70 और आधा का डबल कर दो 71 और प्लस 40, यहाँ पे कितना जाएगा 111 यूनिट आ जाएगा आपको, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ MgCl2। MgCl2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है, इस तरह क्वेश्चंस आते नहीं है फिर भी आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, तो इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 1000 केल्विन होता है, और केल्विन से मैंने डिग्री सेल्सियस में भी आपको कन्वर्जन बताया था यार, ठीक है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, 0 डिग्री मतलब क्या होता है, 373 केल्विन होता है। अगर आपको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 373 माइनस कर दो, उतने डिग्री सेल्सियस आ जाएंगे। अब क्या कहते हैं, ऑल सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मास रेशियो ऑफ दिस इज इन द एग्रीमेंट। तो पहली लाइन तो छोड़ दो, ये जो रेशियो वाली बात कही थी वो किसने कही थी, कि जो फिक्स रेशियो से बनते हैं मास रेशियो, वो कौन से लॉ में था, तो आपको पता होना चाहिए, वो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन था। उसने कहा था जो कोई भी कंपाउंड बनता है वो फिक्स नंबर ऑफ मास से बनता है, जो मिनिमम फिक्स नंबर ऑफ मास रेशियो होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, जब हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तब हमेशा हम 9 ग्राम मिलती है, इस तरीके से ये रेशियो होता है। एटॉमिक मास जो है सोडियम का 23 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 46 ग्राम में, तो एटॉमिक मास सोडियम का क्या है 23 होता है। तो यार 23 ग्राम्स में कितने होते हैं 6.022 × 10^23 एटम्स होंगे, मतलब एक मोल, तो 46 ग्राम में कितने होंगे, सिंपल क्वेश्चन में आपके 2 मोल हो जाएंगे। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 और पोटेशियम का मतलब होता है K, और इसकी वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट की इसकी वैलेंसी होती है -1, तो 7 और आपको क्या रख सकते हो, दोनों की वैलेंसी सेम है तो फॉर्मूला ये आ जाएगा KNO3, तो यहाँ पे वैलेंसी ये 7 का बी आंसर आ जाएगा आपका। एक एटम जो है, एन एटम इज 15 × 10^112 ऑफ द मास ऑफ कार्बन टू एटम, ठीक है, द मास इन एटॉमिक यूनिट, तो उसका मास कितना होगा अगर उसका जो वो 15 टाइम्स है किसके, इसके 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, तो हमें पता है कार्बन एटम का मास कितना होता है 12, और ये 12/12 करेंगे तो 1 आएगा, और इसको हमें 15 टाइम्स करना है, तो 1 को 15 टाइम्स करोगे 15 ही आएगा, तो इसका मास क्या है 15 ही है। अ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू, नाइट्रोजन गैस का मोल, नाइट्रोजन गैस क्या होती है N2 होती है, तो N2 का मास कितना होता है 14 × 14 = 28 ग्राम, तो 28 ग्राम में जो है एक मोल होगा, तो आंसर हो जाएगा 9th का आंसर बी आपका। इस तरीके से अगर यहाँ पे नाइट्रोजन एटम होता तो 14 ग्राम हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम में एक मोल कितने इक्वल होगा 14 ग्राम के इक्वल, और नाइट्रोजन गैस के लिए 20 ग्राम में, ठीक है, 28 ग्राम में, सॉरी। करते हैं 10th क्वेश्चन की, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम नहीं कहा गया, ऑक्सीजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होती है O2, O2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, दो एटम का कितना हो जाएगा 32, 32 ग्राम में जो है आपका एक मोल होने वाला है। अब 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे आपके, 1/32 मोल, और हमारे से पूछा गया है 4 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 4/32 मोल, ये जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 1/8 आता है, और 1/8 को डिवाइड करोगे हमेशा 0.125 आता है, तो ये 0.125 मोल ऑफ का ऑक्सीजन का 10th आंसर। एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट
द नंबर ऑफ एटम्स इन, हमें बताता है एवोगैड्रो नंबर जो है कितने नंबर ऑफ एटम बताता है, किसमें 12 ग्राम ऑफ C12, 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन का अगर मास 12 ग्राम है तो उसमें जो एवोगैड्रो नंबर होंगे मतलब 6.023 एटम्स होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ये जो है और सब गलत हो जाएंगे सिंपल सी बात, जब हमारा पहला ही सही हो गया है। एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का 40, सही बात है। तो जो मास ऑफ ढाई ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम है वो कितना होगा, मतलब अगर हम ढाई ग्राम तोलें कैल्शियम के वजन को तो कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ट्वेल्थ का आंसर। तो एक बात बताओ यार, जब 40 ग्राम जो है एक एटम में है, ठीक है, 40 ग्राम जो है एटॉमिक मास मतलब एक मास का जो है, सॉरी 40 है तो हमें बताना है कि ढाई ग्राम में कितना होगा। तो एक ग्राम का मतलब हो गया है 40, तो ढाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 × 40 मतलब 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ का सी आंसर, ट्वेल्थ का आंसर हो जाएगा सी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर आपको बताना है, तो हम उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O2, C2H6O2 का बताना है। ये देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 का 2 गुना है तो 24 हो जाएगा। कार्बन का एक, सॉरी हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का 6 एटम्स है तो 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 × 2 = 32, यहाँ पे आप ऐड कर लो 24 और 6 = 30, 30 और 32 = 62, आंसर हो जाएगा 14 का ए आंसर। 15 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के लिए कौन सा यूज हुआ था हमारे पास, तो हमें पता है इसमें कार्बन का होता है, कार्बन 12 C12 आइसोटोप्स को हम जो है एटॉमिक मास मेजर करने के लिए यूज होते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के 5 मोल्स में कितने मोल्स होते हैं 5 ग्राम में, तो 40 ग्राम में तो 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा आपको 1/40 मोल, और आपसे पूछा है 5 ग्राम के लिए, तो 5 ग्राम के लिए आप बता सकते हो 5/40 मतलब 1/8 मोल, तो 1/8 कितने होते हैं 16 का आंसर हो जाएगा आपका 0.125। अभी हमने 1/8 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। टू मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिप्रेजेंटेड बाय, दो मॉलिक्यूल्स बताने हैं हमें नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है N2, और वो दो हैं, तो दो मतलब 2N2, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का बी। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना है, NH4 और SO4 है, इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है SO4 की -2, तो 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी NH4 में और NH4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 SO4 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा आपका। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया में, तो अमोनिया आपका होता है NH3, इसका आप जो है कैलकुलेट कर लो 14 + 3 17 ग्राम है, 17 ग्राम में कितने एटम्स होंगे 6.022 × 10³, तो आप निकाल सकते हो 4.2 में कितने हो जाएंगे, 4.2 में 6.022 × 10³ अपॉन 17 × 4.25, इसको आप कैलकुलेट कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। एक सैंपल के पास जो है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके इक्वल है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें CO2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 + 32 मतलब 44 ग्राम होता है, वो किसके 44 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 22 ग्राम में कितना हो जाएगा हाफ मोल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 20 का आंसर हो जाता है आपका सी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो बाय मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशियो से होता है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है और हाइड्रोजन का मास होता है 3, तो 14:3 होता है, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वन यूनिफाइड मास किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 18 ग्राम ऑफ H2O में, तो अगर हम H2O की बात देखें तो H2O में कितने एटम्स होंगे 6.022 × 10⁻²³ इतने एटम्स होंगे, और 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का मास कितना होता है O2 का 32 ग्राम, तो 32 ग्राम में तो 6.022 होंगे 2 × 10⁻²³
होंगे उससे, लेकिन 18 ग्राम में तो उससे कुछ कम होंगे। नेक्स्ट हम बात करें 18 ग्राम ऑफ CO2, तो इसका मास कितना होता है 12 + 32 = 44 ग्राम, इसमें तो और भी कम होंगे। और ये CH है आपका, तो इसमें 12 + 1 = 13 ग्राम, तो 13 ग्राम में तो 6.022 × 10²³ है, तो 18 ग्राम में तो कुछ ज़्यादा ही होंगे ना उससे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्गन। एटोमिसिटी बतानी है आपको किसकी, ओजोन की। ओजोन की एटोमिसिटी कितनी होती है, O3 है, तो मतलब 3 एटम है, तो इसकी एटोमिसिटी 3 हो जाएगी। सल्फर की S8 होता है, तो 8 हो जाएगी। फॉस्फोरस की 4 हो जाएगी, और आर्गन की जाती है 1, तो आंसर हो जाएगा 24 का डी। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10^-9 मीटर। आप इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 माइनस और कम हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ था इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस में जो है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। 11 ग्राम ऑफ CO2 में, CO2 का आपको पता है 44 ग्राम होता है। ठीक है, 44 ग्राम क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। कार्बन का 12 होता है और इसका 32, तो 44 ग्राम होता है। ये इसमें नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, और हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम। ठीक है, तो आपको ये बताना है किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, और आपको मुझे इसमें कमेंट करना है, देख पता इससे चलता है कि कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। एक एलिमेंट है एक्स और वाई, जिसका एटॉमिक नंबर 12 और 8 है। एक्स जो है इससे रिएक्ट करता है, वाई से कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, आप जो है एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़े 10th क्लास का या क्वेश्चन हो या इससे नेक्स्ट चैप्टर का, लेकिन आपको बताना है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, 8, 2, 2 वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0, तो इसकी इसकी वैलेंसी होगी -2, तो 2 ये इधर से देगा और 2 ये इधर से लेता है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा जब वैलेंसी सेम होती है, तो फॉर्मूला सेम आ जाता है। एक एटॉमिक नंबर है जिसका, एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर है 13, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जब 3 जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने जो है लूज कर चुके हैं, तो 13 में से 10 गए उसका, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 3 चले गए तो 10 बचते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी है 5 और 3, और जिसकी वैलेंसी है 3 और 2, तो एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी 5 और 3 हो या 3 और 2 है, मतलब इसमें से आपको बताना है वो कौन कौन से पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। तो यार एक बात देखो, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होती है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं या -3 + 5 हो सकती है, -3 हो सकती है। ऐसे ही हम बात करें आयरन की, तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर आपका डी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में हो जाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन में आपको देखना है। तो हम देखें 44 ग्राम में तो होते हैं 6.022 × 10²³, उसका 1/4 है, मतलब 6.022 × 10²³ से 1/4, और 28 ग्राम में कितने होते हैं, इसमें भी इतने ही होते हैं 6.022 × 10²³, लेकिन 7 में कितने हैं, 1/4 ही, तो इन दोनों में तो सेम होगा, पहले ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो 44 ग्राम में तो 6.022 × 10²³ एटम्स होंगे, लेकिन N2 में 28 ग्राम में होते हैं ना 6.022 × 10²³, लेकिन यहाँ पे 14 ग्राम है, तो यहाँ पे आधे हो गए, इसलिए ये सेम नहीं होंगे। इस तरीके से सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, एटम के बारे में जो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। 31 की बात देखते हैं, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो यही सही नहीं है पहला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एटम्स आर बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये सही है। एटम्स न्यूट्रल होते हैं, एटम्स लार्ज नंबर में जो बनाते हैं तो हम उनको मैटर बनाते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, एटम के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। एक पार्टिकल पी है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं और 19 प्रोटॉन्स हैं, तो वो कौन हो सकता है, तो 18 वो एक मॉलिक्यूल है, बाइनरी कंपाउंड है, एनायन है, कैटायन है, तो यार इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, समझ रहे हो ना, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चेंज हो रही है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 32 में आपको क्या पता चला उसके ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज, और प्लस का चार्ज वो होता है जिसको कैटायन बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आज वॉज एस्टेब्लिश्ड, मैंने आपको शुरू में ही ये बताया था, ये किसने जो है बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको इसका आंसर
देना है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, लेवोजियर के दोनों लो हैं ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास ये है 12 और 17, तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। तो दो वैलेंसी वाला ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स में जो है वाई में दो वैलेंसी आ जाएगी और ये एक्स वाई टू बन जाएगा, तो एक्स वाई टू ये आ जाता है। नाइट्रोजन मास, नाइट्रोजन गैस मतलब 28 ग्राम में कितने होते हैं, 6.022 × 10²³। तो इसमें 3.011 × 10²³ में कितने ग्राम हो गए, सिंपल सी बात है, उसका आधा हुआ है तो इसका आधा भी हो जाएगा, तो 14 ग्राम हो जाएंगे। एक फॉर्मूला है जिसकी ये है X3Y, तो वैलेंसी बतानी है हमें, तो Y की वैलेंसी तो 3 हो जाएगी और X की वैलेंसी 1 हो जाएगी, Y की वैलेंसी 3 और X की वैलेंसी 1, 36 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 37 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ NA एटम्स। NA का मतलब NA का मास होता है 23 ग्राम, 23 ग्राम में तो 6.022 × 10²³ है और 46 में डबल हो जाएंगे, तो ये डबल हो गया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम Mg। Mg में जितने एटम्स होंगे उसको बताना है हमें। अब Mg का मतलब क्या है, Mg का एटॉमिक मास होता है 24 ग्राम, 24 ग्राम में मतलब 6.022 × 10²³ एटम्स होंगे, लेकिन 12 ग्राम में 3.011 × 10²³, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में तो 6.022 × 10²³ ही होंगे, लेकिन देखो यहाँ पे 40 ग्राम कैल्शियम का मास होता है, 20 ग्राम में कितने हो जाएंगे, आधे, तो ये 20 ग्राम वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर ये है, अभी हमने क्वेश्चन किया है, या आप आंसर बता सकते हो। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम मतलब NH4 और CO3, CO3 की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो अमोनियम का फॉर्मूला हो जाएगा 2 और इसकी वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पे NH4 2 CO3। इस तरीके से यार क्वेश्चंस मैं देखो तुम्हें लग रहा हूँ मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करो और शेयर करो जितना हो सकता है, कमेंट किया करो, पता चलता है उससे कि यार आप पढ़ रहे हो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।